नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही हैं तैयारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। खंडवा में कोरोना वायरस के संभावित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में उनके द्वारा उपचार और मरीज का सैंपल सावधानी से लिए जाने के संबंध में जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला अस्पताल खंडवा में मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय के चिकित्सक व चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा कोरोना वायरस के संभावित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में उनके द्वारा उपचार व मरीज का सैंपल सावधानी से लिए जाने के संबंध में जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को किसी स्थान से एम्बुलेंस द्वारा किस प्रकार से अस्पताल तक लेकर आना है और फिर अस्पताल में मरीज की जांच के लिए निर्धारित कक्ष में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, इस संबंध में मॉक ड्रिल की गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। उमरिया में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जनता कर्फ्यू जहां पूर्णतः सफल रहा, वहीं जिले में 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश देने के साथ आवश्यक सुविधाओं की वस्तुओं की दुकानें खुली रहने को कहा गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के फलस्वरूप जनता कर्फ्यू के दौरान बंद पूर्णतः सफल रहा और शाम 5 बजे महिलाओं, बच्चों, पुरुषों ने थाली, शंख, घंटी और तालियां बजाकर उन चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सम्मान प्रकट किया जो कि कोरोना से जंग में दिन रात लगे हुए हैं। जिले में 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश देने के साथ जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं जिससे आवागमन बंद हो गया है, परंतु आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुली हैं जिसके फलस्वरूप लोगों में कोरोना से लड़ने की जंग में हौसला पूरे उत्साह पर है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। छिंदवाड़ा में देशव्यापी जनता कर्फ्यू में जिलेवासियों ने भी अपने घरों में रहकर भागीदारी दी, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देशव्यापी जनता कर्फ्यू में जिलेवासियों ने भी अपने घरों में रहकर भागीदारी दी। उनके घरों में रहने से न सिर्फ कोरोना वायरस की चेन तोड़ते हुए उसे परास्त करने की कोशिश की बल्कि परिवार को भी भरपूर समय दिया, छोटे व बड़ों के बीच दिन गुजार कर माहौल को खुशनुमा बनाया। कोरोना के बहाने एक दिन घर से बाहर ना निकलकर लाखों लीटर ईंधन बचाया तो प्रदूषण को भी कुछ पल के लिए हताश करने की कोशिश की। डॉक्टरों के अनुसार अधिक से अधिक समय घर में बिताकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। ऐसे में जनता कर्फ्यू के इस धर्म को ज्यादा दिनों तक निभाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। अशोकनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात बरती जा रही है। पिछले 24 घंटों से जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। अशोकनगर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव को लेकर एहतियात बरती जा रही है। पिछले 24 घंटों से जिले में कर्फ्यू लागू हुआ है। आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई। मात्र 4 घंटे में लोग मेडिकल स्टोर, किराना दुकान, सब्जी आदि खरीदते नजर आए। पुलिस प्रशासन द्वारा चौराहों चौराहों पर अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। आकाशवाणी के लिए अशोकनगर से मैं नीरज शुक्ला। कोरोना वायरस के चलते आगरमालवा जिला प्रशासन द्वारा भी कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के मालवा अंचल के आगर मालवा जिला प्रशासन द्वारा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ, मां बगलामुखी मंदिर और आगर मालवा के प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर दर्शनार्थियों के लिए आगामी आदेश तक बंद कर दिए हैं। दोनों मंदिर मात्र आरती व भोग हेतु खोले जाएंगे जिसमें सिर्फ पुजारी का ही प्रवेश रहेगा तथा अन्य लोगों के प्रवेश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही आज से जिले में आवश्यक वस्तुओं जैसे किराना, मेडिकल, फल सब्जी तथा डेयरी की दुकानों को सुबह 10 से 4 बजे तक खोलने की मुनादी प्रशासन द्वारा करवाई गई है। आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। उधर नीमच में भी जिला प्रशासन हाई अलर्ट है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधीश ने 22 मार्च की शाम 6 बजे से लेकर 25 मार्च की रात 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। जिले में पेट्रोल पंप लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन इसमें केवल शासकीय वाहनों एवं आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को ही पेट्रोल डीजल वितरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति।
हमारे पन्ना संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जनता कर्फ्यू को दो दिन के लिए और बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील कर दिया है। इसके साथ ही जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बसों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पन्ना जिले में अब तक दूसरे प्रदेशों से 1000 से अधिक नागरिक पलायन के बाद पन्ना वापिस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनको सूचीबद्ध कर युद्ध स्तर पर कोरोना जांच की जा रही है। पन्ना जिले में कोरोना के संक्रमण को जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जनता कर्फ्यू को 24 मार्च तक बढ़ाया गया है। एक तरह से यहां अघोषित लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप शर्मा। जिला जेल मंडला में विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे कैदी भी संकट की घड़ी में भी घर से बाहर निकलकर ड्यूटी दे रहे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस और न्यायालय के लिए मास्क का निर्माण कर रहे हैं। ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जहां हर कोई अपना योगदान किसी न किसी तरीके से दे रहा है, वहीं जिला जेल मंडला में विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे कैदी भी इस संकट की घड़ी में भी घर से बाहर निकलकर ड्यूटी दे रहे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस व न्यायालय के लिए मास्क का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बच सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। ग्वालियर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संभावित मरीजों को रखने के लिए पर्याप्त केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आइसोलेशन वार्ड बिरला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय मुरार, मिलिट्री हॉस्पिटल मुरार में बनाए गए हैं। इसके साथ ही क्वारंटाइन 16 सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस के संबंध में मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी के ऑफिस में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम पर चिकित्सकीय दल भी तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। हमारे संवाददाता ने बताया कि नरसिंहपुर जिला सबसे लंबी अवधि के टोटल लॉकडाउन पर है। जिले में 14 दिन का लॉकडाउन 22 मार्च से 4 अप्रैल तक किया गया है। इस दौरान जिले में धारा 144 लागू है। जिले के सारे बाजार पूर्णतः बंद हैं। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला सबसे लंबी अवधि के टोटल लॉकडाउन पर है। जिले में 14 दिन का लॉकडाउन 22 मार्च से 4 अप्रैल तक किया गया है। इस दौरान जिले में धारा 144 लागू है। जिले के सारे बाजार पूर्णतः बंद हैं। लोगों की जिले से आवाजाही पर भी रोक है। इस दौरान जिले में धारा 144 के उल्लंघन की दो बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके चलते गाडरवारा के एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित किया गया है, तो वहीं साईखेड़ा के एक ढाबे को खुला पाए जाने व शराब बेचे जाने के चलते जमींदोज कर दिया गया है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। जबलपुर में दिव्यांग बच्चों ने भी जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे ताली और थाली बजाकर अत्यावश्यक सेवाएं देने वालों का आभार जताया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार की शाम 5 बजते ही ताली थाली और शंख घंटी की अद्भुत गूंज के प्रतिभागी बनने में जबलपुर के मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी संकट के इस दौर में अति आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों का ताली थाली और घंटी बजाकर अभिवादन किया। वहीं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों ने भी ताली थाली और घंटी बजाकर कर्मवीरों का आभार जताया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। जबलपुर जिले के दिव्यांग डॉक्टर राम नरेश पटेल ने बताया है कि इस दौरान दिव्यांगजनों को विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। हम चाहते हैं कि कोरोना के उस पर सभी लोग इसमें ध्यान दें और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित ना हो और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जनता कर्फ्यू का रविवार को व्यापक असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही बाजार बंद रहे और सड़कें सूनी दिखाई दी। बता रहे हैं हमारे संवाददाता। शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जनता कर्फ्यू का रविवार को व्यापक असर देखने को मिला। यहां पर सुबह से ही बाजार बंद रहे और सड़कें सूनी देखी गयी। शहर के मुख्य चौराहे माधव चौक, गुरुद्वारा रोड, अस्पताल चौराहा, यहां पर प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही देखी जाती थी। वहां सुबह 7 बजे से ही सन्नाटा पसरा देखा गया। शिवपुरी की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का समर्थन करती नजर आई। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। बड़वानी जिले में भी कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस को लेकर पश्चिम निमाड़ के बड़वारी जिले में भी एहतियात बरती जा रही है। रविवार को जनता कर्फ्यू से समर्थन मिलने के बाद कलेक्टर अमित तोमर ने 23 व 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की है। इसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सब संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर तोमर ने रविवार को बैठक लेकर हेल्प रिस्पॉन्स टीम बनाई है जो जिले में निगाह रखेगी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर कंट्रोल रूम भी बनाया है। जिले में अभी तक विदेश से आए 18 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी मरीज नहीं पाए जाने से लोगों में राहत देखी जा सकती है। इस संबंध में कलेक्टर अमित तोमर ने बताया कि अपील करना चाहता हूं, बड़वानी जिले के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि बड़वानी जिले में स्थिति नियंत्रण में है, आप लोग घबराएं नहीं। जो भी एक गाइडलाइन जारी हुई है बचाव के लिए, जिसमें जो मुख्य है कि आप लगातार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और यदि बहुत आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकले, इनका आप पालन करें। हमारे संवाददाता ने बताया कि होशंगाबाद जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। वहीं 104 पर कॉल करने पर घर पर ही दवा भेजने की व्यवस्था की गई है। होशंगाबाद जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। लोगों को जरा सी भी खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में परेशानी होने पर उन्हें घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं 104 पर कॉल करने पर ही घर पर दवा भेजने की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने यह व्यवस्था लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शुरू की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुष तिवारी। धार जिले में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में भी जिला प्रशासन व आम जनों द्वारा सावधानी और जागरूकता के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जिले में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का रविवार को धार जिले में ऐतिहासिक असर रहा। जिला मुख्यालय से लगाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू का पालन किया गया। बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान, परिवहन आदि मुकम्मल बंद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। उधर रायसेन में भी संक्रमण को रोकने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर रायसेन जिले में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर रहा। नागरिकों ने स्वेच्छा से इसका पालन किया। वहीं शाम 5 बजे ताली थाली शंख झालर बजाकर अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों का आभार व्यक्त किया। इधर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने रायसेन जिले को 23 मार्च से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित, राशिद अहमद खान, संयुक्ता बनर्जी और दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।